वेलकम टू रोशी हेल्थ किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड सेवई शरबत, वो भी बिना कस्टर्ड के बनाएंगे। जी हाँ, बिना कस्टर्ड पाउडर के हम बनाएंगे, जिसे बनाना होता है बहुत ही आसान और पीने में होती है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो इसमें ज़रूरत होती है कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए जो एकदम रिफ़्रेश हो कर दे। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो कस्टर्ड सेवई शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है, मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है और ये फुल फैट मिल्क है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैंने पानी का यूज़ किया, क्योंकि हम शरबत जब हम बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विडी होता है, एकदम गाढ़ा हम शरबत नहीं बनाएंगे, तो जिसके लिए पानी का यूज़ करना यहाँ पर ज़रूरी है। मैंने जिस तरह से यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है, आप नॉर्मल जो घर में दूध आता है आप यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक बॉयल आने देंगे और अब इधर मैंने ले लिया है, एक बोल लिया है, उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर इस टाइम ऐसा होता है कि हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसके डालने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अगर आपके पास है तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। और अब यहाँ पर हम डालेंगे दूध, तो मैंने 1/4 कप दूध का यूज़ किया है, ये नॉर्मल उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पर यानी कि ठंडा है। अब इसको हम डाल देंगे इस मिल्क पाउडर के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर इसको इतना मिक्स करना है कि एकदम लम फ्री बैटर बन के ये तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अब डायरेक्ट हम इस पाउडर को डालते ना दूध के अंदर तो उसमें लम पड़ जाते। तो और अब देखिए यहाँ पर दूध में बॉईल आ गया है, तो इसमें अब डाल देंगे मैंने 1/2 कप यहाँ पर जो बारीक वाली सिवई होती है उसका यूज़ किया है, ये भुनी हुई सिवई। अगर आपके पास कच्ची यानी कि वाइट वाली सिवई है तो आप इसको पहले तवे पर या पैन पर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, जब इस कलर की हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए दूध में। और सिवई को डालने के बाद में हम 1-2 बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में। और हमें यहाँ पर सिवई को इतना पकने देना है कि ये बिल्कुल ये टेंडर हो जाए, यानी बिल्कुल गल जानी चाहिए सिवई इसके अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि दूध तो गर्म है और जब गर्म दूध के अंदर सिवई जाती है तो ये बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाती है। और थोड़ी देर के लिए इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे और ये देखिए आप देख रहे हैं सिवई बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि ये टूटने लगी है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर चीनी का यूज़ करूँगी, 1/2 कप मैंने चीनी ली है जो कि इसके लिए सफिशियंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी रेसिपी ये बनके तैयार होती है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और मेरी ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद रोशी हयात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को पे तो ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये देखिए चीनी डालने के बाद में एक बार हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे, चीनी को हम डिज़ोल्व होने देंगे और जो साइड पे इस पे के जो मलाई जम गई है ना उसको हम इस तरह से स्क्रैप करते रहेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच बादाम लिए हैं और 2 बड़े चम्मच ही काजू लिए हैं, इसको हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर अपने पसंद के और भी डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता है, किशमिश है या जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं है तो। अब इसमें हम डाल देंगे जो मैंने कॉर्नफ्लोर का बैटर बना के रखा था ना मिल्क पाउडर का, उसको हम डाल देंगे। पहले एक बार इस तरह से इसको चम्मच से चला लेंगे और अब एक हाथ से हम इसको डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से स्पैचुला से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर और जो मिल्क पाउडर होता है ना उसकी खासियत होती है ये पैन के तले में जाके बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसलिए इसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, हम यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, जिससे जो कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। और अब इसमें एक डाल देंगे हम थोड़ा सा, आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा वाटर का यूज़ कर लीजिए या रोज़ वाटर का यूज़ कर लीजिए, जो भी आप चाहें यहाँ पर उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ वाटर का यूज़ किया है और इसके डालने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसको डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे। और ये देखिए आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये शरबत हमारा बनके तैयार हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, क्या ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। आप देख रहे हैं बिना कस्टर्ड पाउडर के भी ये कस्टर्ड सेवई शरबत बनके हमारा तैयार हो रहा है। अब आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप सिर्फ सिंपल कॉर्नफ्लोर से भी इसको बना सकते हैं। और ये देखिए ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर हम इसको और पकने देंगे, जिससे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। और
और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितनी इसके ऊपर एक लेयर सी जमने लगी है मलाई की। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और उसके बाद में इसको फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए, मैंने इसको बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था और ये बिल्कुल चिल्ड है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, क्योंकि जब शरबत है तो पीने का मज़ा तो इसमें ठंडे ठंडे में ही आता है। अब इसको हम एक बार इस तरह से विस्कर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो मलाई की एक जम गई है ना, उसको हमें अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, तभी तो एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इसका। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त हमारा शरबत बन के तैयार हो रहा है। और अब ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया, आपको देखने में भी लग रहा है क्योंकि ठंडा हो गया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये शरबत है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, यानी आधा कप मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। और ये देखिए, इसको हम मिक्स कर देंगे और अब आप ये देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरह से शरबत होता है ना, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही आई है। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप इसमें पानी मिक्स करें ना तो बिल्कुल ठंडा पानी मिक्स करिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/3 कप, मैंने जो रोज़ सिरप होता है, आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं या रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़े का यूज़ किया है। और रूह अफ़ज़ा डालने के बाद में इसको मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मैं बना रही हूँ रोज़ कस्टर्ड शरबत, तो ये जो इसके लिए मैंने यहाँ पर रोज़ सिरप का यूज़ किया है, यानी कि रूह अफ़ज़ा का। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको प्लेन भी सर्व कर सकते हैं बिना रूह अफ़ज़ा के भी। और अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, मैंने बेजल सीड्स लिया था, यानी कि जिसको हम तुख मलंगा भी बोलते हैं, उसको मैंने पानी के अंदर सोक करने के लिए रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए और वो इस तरह से फूल गए हैं। अब इसको भी हम डाल देंगे शरबत में, क्योंकि इसके डालने से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद है। और इसको भी डालने के बाद में अब ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी शरबत। और अब इसको और ज़्यादा ठंडा करने के लिए मैं इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स का यूज़ करूँगी। आइस क्यूब्स डालने के बाद में इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे और शरबत बनके हमारा तैयार है। अब इसको करेंगे हम सर्व, तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा शरबत लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना तो बनता है ना, तो मैं इसको सर डेकोरेट करूँगी थोड़े से टूटी फ्रूटी से। आप चाहें तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा है, तो सोचिए पीने में कितना टेस्टी होगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही आसानी के साथ में बनके तैयार हो जाता है। कस्टर्ड शरबत है लेकिन ये बिना कस्टर्ड पाउडर के बना है, तो देखा इसको बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप पियेंगे ना तो आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे। हेल्दी भी है ये, टेस्टी भी है और बनाने में बेहद आसान भी है, तो उस रेसिपी को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है, तो उस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए, ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ में, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।